नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति, भारत के कार्यपालक अध्यक्ष और भारत के मुखिया और भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जानने वाले, जो कि 1950 से लेकर 2022 तक जो भी जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके कार्यकाल और उनके बारे में हम लोग आपको सारी आज डिटेल बताएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 13 मई 1965 को खत्म हुआ था। इनको राजेंद्र बाबू एम देश रत्न से नवाजा गया। एकमात्र नियुक्त निर्विरोध मनोनीत राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार दो कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सबसे ज़्यादा समय 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। भारत रत्न उनको 1962 में मिला। ये बिहार के रहने वाले हैं। भारत के अंतिम सरकार में कृषि और खाद्य मंत्री रहे। राजनीति पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कार्यकाल इनका 13 मई 1962 13 मई 1967 को खत्म हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत रत्न 1954 को मिला। इनके जन्म दिवस पर हम 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। राजनीति पार्टी थी, स्वतंत्र थे, कोई पार्टी नहीं थी। तीसरे भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। भारत रत्न इनको 1963 में मिला था और उत्तर प्रदेश जन्म इनका तेलंगाना में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इन्होंने काम किया था। इनकी भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, स्वतंत्र थे। इनके बाद में जो राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर वराहगिरी वेंकटगिरी। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। कार्यकाल 3 मई 1969 20 जुलाई 1969 तक चला था इनका। राजनीतिक पार्टी इनकी भी नहीं थी। मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। राजनीति पार्टी इनकी भी नहीं थी। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, 24 अगस्त 1969 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। कार्यवाहक राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहा इनका। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्वाचन के दौर दूसरे दौर की मतगणना के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। भारत रत्न इनको 1975 मिला और ये उड़ीसा के रहने वाले थे। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने, भारत के पाँचवें राष्ट्रपति श्री फरुखुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 रहा। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। 1975 में आंतरिक आपातकालीन की घोषणा। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले दूसरे राष्ट्रपति दिल्ली के रहने वाले थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने श्री बसपा दनप्पा जत्ती। राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अहमद की मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति इन्होंने संभाला। कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा इनका। भारत के छठवें राष्ट्रपति बने श्री नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति बने, लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में पहली बार पराजित हो हुए, लेकिन बाद में राष्ट्रपति निर्विरोध जीते थे। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री व लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी राजनीतिक पार्टी थी जनता पार्टी, जो कि आज बीजेपी कहलाती है। भारत के सातवें राष्ट्रपति हैं श्री ज्ञानी जेल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 25 जुलाई 1987 तक रहा। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ब्लू स्टार ऑपरेशन व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री, पंजाब राजस्थान पंजाब के रहने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। भारत के आठवें राष्ट्रपति हैं श्री रामा
रामस्वामी वेंकट रमन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक था। भारत के 7वें उपराष्ट्रपति। भारत सरकार में वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री रहे। तमिलनाडु के रहने वाले थे। राजनीतिक पार्टी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। भारत के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहा। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में संचार मंत्री भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में हम जिनको जानते हैं उनका नाम है श्री के आर नारायण। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक था। इनका पूरा नाम कोचेरिल रामन नारायण था। भारत के 9वें उपराष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति निर्वाचित केरल के रहने वाले थे और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में हम जिनको जानते हैं वो हैं श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 को 25 जुलाई 2007 तक रहा। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। मिसाइल मैन और जनता पार्टी जनता के राष्ट्रपति थे। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। भारत रत्न इनको 1997 में मिला। तमिलनाडु के रहने वाले थे। राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र थी। फिर इनके बाद में आती हैं हमारे भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में हम जिनको जानते हैं वो हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को हुआ था और 25 जुलाई 2012 तक था। भारत की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। राजस्थान की राज्यपाल राज्य महाराष्ट्र से बिलोंग करती। भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं श्री प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। भारत सरकार में वित्त मंत्री एंड विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत रत्न 2019 में मिला था। राज्य पश्चिमी बंगाल से बिलोंग करते हैं। राजनीतिक पार्टी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। इसके बाद में 14वें नंबर पर आते हैं हमारे भारत के प्रेजेंट में 14वें राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई 2017 को नियुक्त किए थे। 25 जुलाई 2022 को कार्यकाल के आधार पर भारत के 15वें राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष और बिहार राज्य के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी BJP की तरफ से। भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में हम जिनको जानते हैं वो हैं अभी जो फिलहाल में बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई को शपथ लेंगी। 2022 25 जुलाई 2027 तक कार्यकाल आधार पर भारत की 16वें राष्ट्रपति। आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला। उड़ीसा राज्य सरकार में मंत्री तथा झारखंड की राज्यपाल। राज्य उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम इनको जानते हैं। ये हैं हमारे देश के अभी तक के जितने भी 15 राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचना और ये चीज़ें समझने को मिलेगी और देखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी भारत के राष्ट्रपति के बारे में।